अरे कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता, दर्द थोड़ी ना होता है। आज का ब्लॉग कौन स्टार्ट करेगा? तो अभी का सीन ऐसा, अभी हमको जाना है मेडिकल, पीयूष और कुणाल का ना ब्लड ग्रुप देखने के लिए, इनका ब्लड टेस्ट करवाना है। साहिल को देखो कैसे लेटा हुआ है, दुल्हन है। ऐसे क्यों लेटा हुआ, मुंह क्यों छुपा रहा है साहिल, मुंह क्यों छुपा रहा है अपना? नहीं दुल्हन है। आई थिंक अभी साहिल ने नहाया नहीं ना, इसलिए अपना मुंह छुपा रहा है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये चीले सी नीली आंखें, पीछे बता रहा हूं, पीड़ जाएगा कैमरे में आ जाएगा, फिर दोबारा देख ले। पीड़ दे यार साहिल, साहिल पीड़ दे, साहिल पीड़ दे, किसी एक लग गया ना देखो, तो ऐसे भागेगा ना। हां टूट रहे तेरे, छेड़ के आया मेरे को, छेड़ जाएगा फिर क्या हुआ, छेड़ के आया तो तू नहीं छेड़ता उसको, हो गया मैंने लगा दिया टाइम नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला, चुप जा, डंडल मारो मैं होगी क्या करूँ बता दू। उसके पीछे हम पीछे नहीं गए, उसको छेड़ा तो वो चिढ़ गया, चलो बताओ, बताओ क्या हुआ, नहीं बताओगे क्यों? अंधेरा कर दूंगा इसमें, हैं? अंधेरा कर दूंगा इसमें। अंधेरा कैसे होगा, हाथ लगा के अंधेरा होगा ही नहीं, आपका हाथ भी नहीं पहुंचेगा। तो गाइस सुबह सुबह कंट्रोवर्सी होगी साहिल और पीयूष के बीच में, खतरनाक वाली। तो हाँ साहिल अलग रूम में गया, पीयूष अलग से रूट गया, तो चलो मैं फिलहाल ब्रेकफास्ट करता हूँ। कुणाल खिचड़ी खाओगे, खाया खिचड़ी क्या? दो फिर मेरी है वो, अरे मेरी है ये, मैं तो वैसे फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, क्या मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, अब मैं खाऊंगा फॉर्मेलिटी, तेरे बर्थडे हुआ था, तेरे बर्थडे गया, मैं बस मेरे हो गए जाओ, नहीं भाई नहीं ना, मैं तो वैसे पूछ रहा था तेरे से, ले 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 जाओ, इसने तो सच में ही ले ली, मैं तो वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था, अब मुझे अलग से निकालनी पड़ेगी अपने लिए। तेरे तो ब्लड ग्रुप नहीं पता, नौबत ही नहीं आई कभी टेस्ट करवाने की, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए भाई, अबे नौबत ही नहीं आई टेस्ट करवाने की, मेरे को पता है मेरा बी पॉजिटिव है इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ। और ही अब क्या है, ओ पॉजिटिव है इसका, आ जाओ लू, आ जाओ लू, सौदा जा रहे हैं। और ही पीयूष को पता है सभी को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, कभी इमरजेंसी में अगर ब्लड ब्लड की जरूरत पड़ गई ना तो उस टाइम के लिए। हाँ तो टेस्ट करने में कौन सा घंटे लग रहे हैं? नहीं नहीं अगर इमरजेंसी में पता है एक एक सेकेंड बहुत कीमती होता है, कितनी इमरजेंसी आ सकती है, बहुत खतरनाक इमरजेंसी, बी पॉजिटिव है इमरजेंसी आ सकती है कह रहा हूँ मैं, तभी तो स्कूल वाले तेरा मांग रहे हैं। तो किस में जाए, थार उधर खड़ी है यार, नहीं ना चल ना चुपचाप। कौन से हॉस्पिटल जाना है? बड़ी मम्मी कहाँ से आ रही है, कहाँ घूम रहे धूप में? चलो कुणाली आपको टीका लगाया जाएगा, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अरे नहीं लगाएंगे टीका, चलो अरे नहीं लगाएंगे टीका, बस ब्लड टेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? अरे ब्लड टेस्ट करेंगे बस, अरे कहाँ भाग रहा है? बी पॉजिटिव, अरे कुछ नहीं होता, दर्द नहीं होता, दर्द थोड़ी ना होता है, हो रहा है कुछ, हो रहा है कुछ, हो गया ना कुछ, हुआ कुछ नहीं हुआ कुणाली, अरे सच्ची में कुछ नहीं होता यार, कुणाली को बहुत डर लग रहा है बहुत ज्यादा। तो भी गाइस सभी ने बहुत कोशिश की लेकिन कुणाली टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ कुणाली, कुछ नहीं होता, देखो पीयूष ने भी तो करा लिया, देखो बड़ी मम्मी भी करा रही है अपना, आप किसे करा रहे हो, थायराइड, कुछ हुआ, कुछ हुआ, अब लास्ट ऑप्शन है उसके हाथ पर पकड़ के जबरदस्ती कर रहे हैं। मम्मी को बच्चों को हैंडल करना आता है यार, मैं देख लिया आज, मम्मी ऐसी ऐसी बातें कह रही है यार कुणाली को, मैं कहा यार मम्मी को ये सब कहाँ से आता है, मम्मी को फुल एक्सपीरियंस है बच्चों को संभालने का। तो अब बारे बीपी नापने की, तो पीयूष का बीपी नापा जा रहा है, अब ये भी चाहिए स्कूल में, तो अभी वेट नापते हैं, वेट कितना है सब में, कुणाली 13 किलो का है, मम्मी देखते हैं, मम्मी 100 पार, 81, चाची 48, चाचा का 49, 66, पापा 66, कितना है 28, चलो ये हड्डी पहलवान जा रहे हैं वेट के, 56, फाइनली हो गया बहुत मुश्किल के बाद। तो अभी हम आए स्टोर पे कुछ सामान लेने के लिए, कुणाली रो रहा था ना उसको कुछ दिला देंगे, तो पीयूष खरीद रहे अपने स्कूल के लिए पेन। हेलो बढ़िया, आप कैसे हो, थैंक यू। तो अभी हमने कुणाली के लिए बैग भी ले लिया है न्यू स्कूल के लिए, मैंने तो एक कोन ले लिया बस, अरे मत खा यार, मम्मी देख लो सारी मेरी खा रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो पागल तो नहीं है, आधे ज्यादा मेरी आइसक्रीम खा गया, मैं गाड़ी चला रहा था, थैंक यू। ओ मेरे भाई, भाई 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 आइसक्रीम में कोई भाई नहीं है, जिंदगी मेरी तुझ में सौ
तो गाइस लंच करेंगे, मम्मी का तो व्रत है। कैसे रह लेते हो आप? मम्मी जी खुद नहीं खाएगी लेकिन दूसरे खाने का ख्याल रखेगी। देखिए ओरियो खाने लग रही है, ओरियो को ऐसे ही खिलाना पड़ता है यार, उसके पास बैठना पड़ता है, फिर उसको इनसिक्योरिटी होती है अपने खाने की, तब खाता है वो। मम्मी पता खाना लाने से पहले कहती है सौरभ इधर आ खाना खिला इसको, और खाना पता कैसे खिलाता हूँ, देखो ऐसे खिला रहा हूँ मैं, खाना इसके पास बैठ के मैं इसको खाना खिला रहा हूँ, खिला मम्मी रही है लेकिन मैं इसके हाथ में बैठा हूँ ताकि इसको इनसिक्योरिटी हो खाने की। बस मुझे हाथ लगाना है ऐसे। खाता भी इसी से है और किसी से नहीं खाता है। हाँ खाता भी मुझसे ही है, मुझसे इनसिक्योरिटी होती है इसको कि मैं से खाना खा जाऊंगा, जबकि मैंने कभी नहीं खाया खाना। शैलजा ने गेट बंद कर रखा है, खोल। शैलजा ने गेट बंद कर रखा है, खोल दिया। तो गुस्सा क्यों रहा है? तो भाई नहीं है क्या? तो अभी गाइस साहिल और पीयूष के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो देखते हैं ये लड़ाई कब तक चलती है साहिल और पीयूष के बीच में, अभी तो दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। ज्यादा बन रहे हैं। पिटता तो ही है। तो गाइस जस्ट रिसीव दिस पार्सल जिसके अंदर पता नहीं क्या है, ये गिफ्ट टाइप का कुछ है। सर दादा ये मिला है क्या आपके लिए है और पीयूष दादा के लिए है या साहिल दादा के लिए? ये सबके लिए है। ऐसे मत कर यार। तो गाइस ये हैं दो पॉट्स जो कि हम टंगा सकते हैं, इसमें पैसे भी रख सकते हैं। पैसे? हाँ। कितने? 200 लाख कितने होते हैं? 120। तो थैंक यू गाइस जिसने भी भेजा है, इसमें हम प्लांट्स लगाएंगे। तो फिलहाल गाइस लंच करते हैं, लंच में दाल चावल बने हैं जो कि मैं ही खाऊंगा बिकॉज मम्मी चाची सबका व्रत है, बच्चे खा रहे हैं, बड़ों का सबका व्रत है। लेकिन मम्मी आजकल खाने में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि इसमें आप प्याज नहीं डाल रहे, नवरात्रि है ना बिना प्याज के मजा आ रहा है, प्याज डाला ही मत करो ना। तो अभी शाम की चाय बन रही है मस्त। तो अभी गाइस शाम के 5:23 हो चुके हैं और मेरा प्लान है पूरी फैमिली के साथ में जाने का मंदिर में, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं ना, मंदिर चलते हैं पूरी फैमिली को लेके। साहिल से पूछो, साहिल आ रहा है, साहिल से पूछो। तो गाइस नवरात्रि में ना फैमिली के साथ में मंदिर में जाना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव क्योंकि मम्मी ने व्रत भी रखा है। तो ओरियो दादाजी घर में ही है, और ही बाय मंदिर जा रहे। तो फिलहाल मंदिर के लिए निकल गए और जिस मंदिर में हम जा रहे हैं ना वहाँ हम पहले कभी नहीं गए। हेलो कैसे हो? आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे थैंक यू। तो मम्मी जी ने प्रसाद ले लिया। तो भी गाइस मंदिर से तो आगे मस्त पॉजिटिव वाइब्स आ गई और प्रसाद भी ले लिया। तो गाइस घर पहुंचने में लेट हो रहे हैं इसलिए मम्मी जी यहीं पे भजन कीर्तन कर रही है। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। आज तो मजा आ गया, मम्मी ने गाड़ी में भजन गा दिया मस्त। तो घर पे आके मम्मी जी फिर से भजन कर रहे हैं, ये देख के आपको चल गया होगा पता कि मम्मी जी बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं। मेरी मम्मी ना बहुत सिंपल सी है, अपने घर में रहती है, खाना बनाती है, केयर करती है और पूजा करती है और कीर्तन करना बहुत पसंद है मम्मी को। मेरी मम्मी को बस यही सीन है और कुछ भी नहीं चाहिए मम्मी को। तो मैं तो एडिटिंग कर रहा था, तो डिनर के लिए बुलावा आ चुका है, चलते हैं डिनर करने के लिए, देखते हैं क्या बने। तो खाने में आलू गोभी रोटी एंड सलाद, चलो मुझे दाल भी है। और सभी आ गए यहाँ पे खाने के लिए। सुबह जल्दी उठ जाएगा, स्कूल जाना है, कल पहला दिन है पीयूष स्कूल। 6 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे कल तुम दोनों का पहला दिन है स्कूल का। तो भी डिनर हो चुका है, फिलहाल अब मैं एडिटिंग स्टार्ट करूंगा और स्लो को करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अरे मेरे चश्मा क्या कर दिया ये? अरे चश्मा ठीक करो, मेरे चश्मा ठीक करो। अरे ठीक करो, कान के ऊपर आया हुआ है। ठीक है। This town.